بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله الشيء وسيجزي الله الشاكرين وقال وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المبدة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتمة بضعة مني من آزاها فقد آزاني سے سب پہلے سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كخدمة أقدس میں مولا المؤمنين عليه الصلاة كخدمة أقدس میں إمام حسن إمام حسين, إمام حسين، جناب زينب جناب أم और बाकी बाी सलाम और ख़ूस इमाम ज़मान ख़िदमत अकदस में हज़रत फातमत ज़हरा सल्लवा सलाम की शहादत पर ताज़ियत पेश की जाती है मौजू गफ्तु जैसा कि आपके इल्म में है शहादत रसूल सल्म और हमारी गुफ्तगु चल रही थी वाक़ अकबा के बारे में और हम तोज् दिलाते चलें कि रसूल अल्ला वसलम जब तबुक से वापस आ रहे थे तो आपने ऐलान फरमाया तीस हज़ार की फ़ौज थी कि मैं इस घाटी से जाऊंगा और जो आम रास्ता है उससे बाकी फ़ौज आएगी जनाब अम्मार और जनाब हज़रतफ़ा रजवानल्लिम साथ, साथ थे और इनके अलावा कोई भी नहीं था उस वक्त आपको कत्ल करने की शहीद करने की कोशिश की गई और ये मौजू चल रहा है अब इनमें से एक मौजू यह आता है कि कुछ को दुबैले का फोड़ा निकलेगा या दुबेले के मर्ज़ में मुबला होगा अलबत्त ये जहन में रहे कि दुबैला के फोड़े की इतनी अहमियत नहीं है सबसे ज़्यादा अहमियत कि जिस चीज़ की जानब रसूल सल वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तोज् दिलाई वो ये कि जो भी अली का मुखालिफ है वो मुनाफिक है लिहाजा दोबैला निकले ना निकले सना सही हो ना सही हो माविया की मौत दोबैला से हुई हो या लकबे से हुई हो या कर्रा से यानी सर्दी की बीमारी की वजह से हुई हो कि हर वक्त सर्दी लगती हो ये एक अलग मौजू है या इन सब चीज़ों की वजह से हुई हो असल मौजू है कि जो रसूल रसोल व शादात फरमायाब ममिन वला का इल्ला मुना तुम तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि वो मोमिन होगा और कोई बख्ज नहीं रख सकता मगर ये कि वो मुनाफिक होगा बस अगर कोई लानतें भेजे गालियाँ दे सालों और ये सिलसिला सौ साल से ज़्यादा चलता रहा कि मौला अमीरुल अमीरमिन पर गालियाँ दी जाती थी मंबर से हत् बनोमैया के ख़त्म करने की कोशिश के बाद भी होता रहा और फिर जंगें की गई मौला मौलानीमन से तो बक्स के बाद मुनाफ़ हो जाता है गालियाँ और लानतों और जंगों के बाद तो बिला शक इंसान मुनाफ़ हो जाता है तमाम अदियान का एहतराम है डायलाग की फ़िज़ा होनी चाहिए तमाम मजाहब का एहतराम है डायलाग की फ़ि होनी चाहिए खसूस जितने भी मुसलमान फ़िरक़े हैं अलखसूस सबका हम नाम लेते हैं तमाम अहल सुन्नत और उसके बाद देवबंदियों बरेलवियों हदीसों बोरी हों आख़ानी हों आबाजी हों अलवी हों दरूस हों ये सब हमारे भाई हैं सब मुसलमान हैं सब की जान माँ लज़त आबरू का एहतराम है खूसा बरदरान सन्नत हमारे भाई हैं किसी के दिल को दुखाना मकसूद नहीं है उनमें से जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो इस चीज़ को आहस्ा आहिस्ता समझेंगे जिनमें से एक चीज़ की जानब तोज़ो दें कि ये क्या हुआ कि रसूल अल्ला वसलम की शहादत के बाद या अगर आपको नहीं तो उनके दुनिया से जाने के बाद उनके पूरे घराने को कत्ल कर दिया गया और जो उनके घराने का नाम लेते हैं उनको कत्ल किया गया घराने का जिक्र करते हैं उन्हें कत्ल किया जाता है जिस महफिल में उनके घराने का जिक्र होता है तस्वुर करें रसूल के नवासे को असीर कर दिया गया कत्ल कर दिया गया रसूल की नवासी को असर किया गया असीर करने वालों के लिए रहमत ला के रज़ी अल्लाह तहों के नारे लग रहे हैं और जो आले रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं उन पर हमले किए जाते हैं तस्वुर तो करें कि आपके मौलवी किस तरह से फतवा देते हैं कि जिसने भी हुसैन का जिक्र किया निकाह टूट जाएगा ये सारी चीज़ें और अगर कोई उनके मसाइब बयान करता है तो उसके भी दुश्मन हो जाते हैं चाहे है वो अहले सुन्नत ही में से क्यों ना हो तो इन चीज़ों को हमारे बरादरान अहले सुन्नत को समझना चाहिए अब रह गया मौजू यह कि अदियान में और मजाहब में आपस में एक मुखालफत तो होती है और जब किसी के नज़रिए का इनकार किया जाता है तो बाज़ दफ़ा गलत बात भी सामने आती है लेकिन इसके बावजूद डायलॉग का माहौल होता है और ये होना चाहिए आलम इस्लाम में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कतल आमाम का सिलसिला शुरू हुआ और उनकी आल से शुरू हुआ उनके असहाब से शुरू हुआ खसूस हज़रत मालिक इब्न नवैरा को कत्ल किया गया उनकी ज़ौजा की हुरमत को पामाल किया गया तो यहाँ से जो खून खराब कल्चर शुरू हुआ वो वो आज तक जारी है लिहाजा ये नहीं होना चाहिए अब यहां पर हम तवज्जो दिलाएं कि हमारे उल्मा और बुजुर्गान और आज़म ने फरमाया है कि अहले सुन्नत के मुकदसात की तोहीन ना की जाए तोहीन किसी की भी गलत है चाहे वो इंडिया में गाय की हो या मिसाल के तौर पर बुद्धि कंट्रीज में जनाब बुद्धा के मुजस्मे की हो या किसी और की हो काम मोहब्बत के साथ और डिस्कशन के साथ होना चाहिए अब यहां पर तवज्जो रहे कि आप हजरत रसूल सल्ह वसलम के वाल माजद को काफिर कहते हैं अहलसन्नत खुल के सिहाय सत्ता में लिखा है इस मौजूक को डिस्कस करेंगे कि जो एक एतबार से रसूल अल्लाह सल् वसलम से बलंद मकाम पर फाइज हैं एक एतबार से वह कौन सा एतबार नबूत का नहीं वो अशरफुलंबियाएँ रसूल सल्ला वसलम लेकिन व उनके वालद हैं उनका नूर उनके सुल्ब में था यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनके सुल्भ में था उनकी वालदा के शिकम में आपने परवरिश पाई आप उनकी वालदा को भी काफिर कहते हैं वालिद को भी काफिर कहते हैं जिसने रसूल को पाला उन्हें भी काफिर कहते हैं रसूल के दादा को भी काफिर कहते हैं तो हम तो नहीं आपको कतल करते डायलॉग करते हैं, हैं। हम जन सहाबी को एक बहिशती सहाबी समझते हैं क्योंकि हमारे रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी देखना चाहता है अहले जन्नत में से किसी को तो वो मालिक अबन नवैरा को देखे आप उन्हें काफिर कहते हैं अब जाहिर है कि हम जब हज जनाब मालिक अपने नवैरा को मानेंगे तोाहहिर है उनके कातिल को बुरा समझेंगे आप कतिल का दफ़ा करते हैं जबकि एक दूसरे साहबी की आप तकफीर करते हैं कितना बड़ा ऐनेब आप सहाबा का शोर करते हैं दूसरी जानब आप सहाबा को काफ़िर कह रहे हैं फिर जो ख़ातम अब हैं उन्हें भी आप गाली कह रहे हैं राफज़ी कह रहे हैं मफरतुलफ तशै्यो कह रहे हैं यानी घूम फिर के आप उन्हें भी काफिर कह रहे हैं तो आप जो चाहे करें और फिर ये तो करें कि हम आपकी बात को माने और ना माने तो फिर आप कत्ल के लिए जो है झूठी दास्तानें बनाएं कि जी हाय वैला वाय बैला असाब की तोहन कर दी ना असाब की तोह आप, आप, आप करते हैं उम्मातमिन की तोह आप करते हैं बल्कि रसूल अलैहि वसल्लम की तोहन आप करते हैं बल्कि अल्लाह की तोह आप करते हैं लिहाजा आप अल्लाह की तोह करें हम उसको डिस्कस करेंगे आप रसूल अल्लाह की तोहन करें हम डिस्कस करेंगे ये ज़माना डायलॉग का ज़माना है वो पुराना ज़माना चला गया वो कल्चर के जो आपके बड़ों ने कतलेआम का बनाया था वो चला गया है वो नहीं चलेगा और अधियन का टकराव गलत है बिला शक अधान में मोहब्बत के साथ डायलॉग का सिलसिला होना चाहिए आप अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तोहिन करेंगे और इतने ब्रॉड माइंडेड हैं इतना दिल खुला हुआ है कि जिससे रसूल अल्लाह पैदा हुए जिनके शिकम में रसूल अल्लाह ने परवरिश पाई यानी उनकी वालदा उनको काफिर कहने के लिए आपके पास इतना बड़ा जिगरा है और जिन्होंने दो दो मिनट को देखा तीन तीन मिनट को देखा या हत्या दो साल को भी देखा हो उनके लिए आपके पास जिगरा नहीं है कि डिस्कस किया जाए तो डिस्कशन इलमी तरीक़े से होना चाहिए अब ये जो गुफ्तु है ये एक मौजू है कि माविया को दुबैला के ज़रिए से उनकी मौत वाक़ हुई अब जो काम मैंने इसमें किया था जो तरतीब दी थी उसको मैंने फिर छोड़ दिया और आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर है और ये तस्वीर है सऊदी अरब के एक महक् की कि जो खुल के कहते हैं कि मैं नासबी नहीं हूँ और इनका नाम है हसन फ़रहान मालिकी अब जो आपके सामने तस तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि वो कज़िय तहकीम में इमाम अली कह रहे हैं और इसी तरह से इमाम हुसैन की मज़लूमियत को भी इमाम हुसैन कह कर ही बयान कर रहे हैं लेकिन आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ये हमारी गुफ्तु है हमारे बरदरान अहल सुन्नत से कि अपने उल्मा की आप हबासत को समझें कि वो रसूल अल्ला वसलम का जब नाम लेते हैं तो कर देते हैं वरना आल का तो नाम लेते ही नहीं है क्योंकि सबका ज़माने में जो आल का नाम लेता था वो कतल कर दिया जाता था बिल्कुल वैसे ही जैसे आज जुलूसों में पथराव कराते हैं ये लोग तो हसन फरहान मालकी साहब ने किताब लिखी है सिलसिला मसालिब माविया यानी माविया की जो बुराइयां हैं उनको उन्होंने दलील के साथ बयान किया है सऊदी अरब की आलम दीन है और इसी में आपके सामने जो इस वक्त हिस्सा है यह हिस्सा है हदीस दुबैला का <coughs> तफसील के साथ इन्होंने बहुत सारे मौजूद डिस्कस किए हैं क्योंकि कोई हमसे सवाल करता कि ऐसा क्यों कह रहे हैं तो हमने कहा कि आप देख लें और वाखन डायलॉग का माहौल ऐसा होना चाहिए तो अब आपके सामने है सही मुस्लिम की जिल नंबर पांच और हदीस आपके सामने हम पढ़ देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में बारह मुनाफिक हैं वो जन्नत में दाखिल ना होंगे और ना ही और ना इसकी खुशबू पाएंगे जब तक के ऊँट सुई के नाके में दाखिल ना हो जाए यानी महाल है कि ये जन्नत में जाए इन से आठ ऐसे हैं कि इनके शर्ज बचाव के लिए तुम्हारी किफ़ायत एक ऐसा फोड़ा करेगा जो आग के जलते हुए दिए की तरह ऊपर से सुर्ख होगा और इनके कांधों में ज़ाहिर होगा यहाँ तक कि इनके सीनों से निकल आएगा यानी कुछ ममिन को तसल्ली दे रहे हैं कि ये कुछ के से तो तुम दुबैला के जरिए से बच जाओगे और हम बता चुके दुबैला हो या ना हो ये इतना अहम मौजू नहीं है असल मौजू तो यह है कि जो भी मौलानी के मुकाबले में आया उसका नफाक काफ़ी है अब आपके सामने है तारीख़ तिबरी जल्द नंबर चार और सफ़ा नंबर वन थर्टी फोर और थर्टी फाइव एक दफ़ा अबू मूसा से बरनस सर पर पहने हुए माविया के पास आए और कहा का या अमीन अल्लाह इनके बारे में भी गुफ्तगु इनशा अगले उसमें आएगी अब आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अली मेरा वसी है मेरा भाई है मेरा अखी है उनके साथ आपने दो दफ़ा जो है भाई होने का ऐलान फरमाया उनको आपने पाला इरफान आपने इरशाद फरमाया कि ए तुम से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि वह मोमिन होगा कोई बोख नहीं रख सकता मगर ये कि मुनाफ़ होगा यानी जंग सिफ़ीन हो चुकी है और जंग सिफ़ीन के बाद इमाम हसन पर भी हो चुका है मम्बरों पर से मौला अमिरमिन पर यानी रसूल अलैहि वसल्लम के नफ्स पर भाई पर दामाद पर लानतों का सिलसिला हो रहा है ऐसे में अबू मूसा क्या कहते हैं आके असलम या अमीन अल्लाह खुदा की पनाह एक दुश्मन खुदा के जिसने नफ़ रसूल से जंग की उन्हें अमीन अल्लाह कह रहे हैं जबकि रसूल अलैहि वसल्लम वाज़े फ़रमा चुके हैं या अम्मा तख्तुल्कफ़ीत बागी अम्मा तुम्हें एक बागी ग्रोह कतल करेगा तुम जन्नत की जानब बुला रहे होगे वह तुम्हें जहन्नम की जानब बुला रहा होगा ऐसे फ़र्द को ये कह रहे हैं यह अमीन अल्लाह माविया ने कहा वाली का सलाम जब वो चले गए तो माविया ने कहा ये बुढ़ा इसलिए आया था कि मैं इसे कोई खिदमत दूँ माशा एक सहाबी दूसरे साहबी को इस तरह से मुख़ातब कर रहे हैं अब अगर ये झूठ भी है तो ये आपकी किताब में है और यहाँ पर भी लिखना चाहिए था रज़ी अल्लाह और अगर आपने लिखा तो सवाल ये पैदा होता है कि इसे अगर कोई पढ़ ले और अगर कहीं लिख दे तो आप उसे कतल करेंगे लेकिन ख़ुद इसको आप छापेंगे वल्ल कोई ख़िदमत इसे मैं ना दूंगा यानी किसी क़स्म का अहदा मैं इसको ना दूंगा अब यहाँ पर असल रवायत शुरू होती है अबू बुरदा कहते हैं माविया को एक ज़ख्म लगा था मैं इन्हीं दिनों में इनके पास गया मुझसे कहा भतीजे मेरे पास आकर देख मैंने देखा तो ज़ख़म में सिलाई दी जा चुकी थी यानी ज़ख़म फट चुका था सुराख हो चुका था गढ़ा पड़ चुका था और सफाई के लिए एक लकड़ी या कोई चीज़ दाखिल की जाती थी अब आपके सामने इसका अरबी मतन है तारीख़ तिबरी जल्द नंबर पाँच और और आपके सामने है एन अबी बुरदा कल दखल तो अलामुआविया कर हतन अब बाज़ जगह कुरहा भी है करहाा भी है फ़ाला हलम्म अखी और मेरे पास आओ अब उसमें उन्होंने क्या देखा फ नज़र तो फैज़ा ही कद सोब के सराह हो चुका था और सिलाई दी जा चुकी थी अब आपके सामने इसी फोड़े के लिए अलमार फिनबा ने जो कहा तो वह आपके सामने हम बयान कर देते हैं अलमार फिनबा में हेडिंग आपके सामने है वकाल अबू वबन अक माता यानी माविया की मौत हुई वलहू समान वबून सना और वो उस वक्त सेवेंटी एट की उम्र में था वकानत इल्लत हु, और मौत की वजह क्या थी अल अलनाकिबात अब नाकिबात क्या है? यानी अद अद्बैला कि मौत दुबैले की वजह से हुई पाकिस्तान के भी एक साहब ने इसको डिस्कस किया लेकिन वो जाहिर है कि अहले बैत की मोहब्बत तो कर रहे हैं लेकिन दुश्मनों से पूरी तरह से इजहार बरात नहीं कर पा रहे हैं दो कश्तियों पर सवार हैं अब आपके सामने है तो उन्होंने भी मौजू डिस्कस किया था कि जो देखना चाहे तो देखे दो बैला से कौन मरा और फिर कहा कि अब वो पुरानी बातें हो गई कैसे पुरानी बातें हो गई फ़िरौन भी पुरानी बात हो गई सभी पुरानी बातें हो गई अब आप सामने है सही तरगीब व तरहीब और ये तालीफ है मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी साहब की कि जो दुनिया से रुखत हो चुके हैं और ये सऊदी अरब असल में अलबानिया के थे सऊदी अरब में थे सलफियों के और वहाबियों के और देवबंदियों के इस वक्त ये समझा जा सकता है कि इस कर्न में एक इमाम थे इल्मुल हदीस में बहुत बड़े मुहदस थे तो वो इस किताब की जिल्द नंबर तीन में इसी मौजू को डिस्कस करते हैं कुन तो इंद माविया और यह रिवायत भी अन अबी बुरदाला कुन तो इंद माविया व तबीब यो और हैत वह रही कि मैं मुआविया के पास था और तबीब उनके फोड़े की कि जो पीठ में था उसका इलाज कर रहा था तो यहां पर हदीस सही है कि जो बिल्कुल आपके सामने है अब आपके सामने है तारीख़ मदीना तो दमिश अब ये रिवायत मुख्तलिफ तुरख से बयान हुई इस वक्त आपके सामने जो हम तरीक़ बयान कर रहे हैं ये है तलहा बिन याहिया से हसन फ़रहान मालकी साहब ने एक अच्छा जुमला कहा सनत पर डिस्कशन करने के बाद हम इसे इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये चीज़ें शिया ही डिस्कस नहीं करते बल्कि हर वो दीनदार फ़र्द के जो रसूल आले रसूल से मोहब्बत करता है और जिसकी भी आँख खुल जाए कि आले रसूल पर क्या जुल्म हुआ तो वो इन चीज़ों को डिस्कस करता है और ये एक सऊदी आल है जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया तो ये तरीक़ है तलहा बिन याहिया की तो वो फरमाते हैं कि इस इन तमाम रवायात के सही होने की दलालत के तौर पर एक तो वैसे ही सही है और इतना काफ़ी है बहौल उनके कि ये सब के सब नासमी और दुश्मन हैं मौला अमीर अमीरमीन हैं और उनकी गवाही इस मामले में काफ़ी है तो अब आपके सामने हैं तारीख़ मदीना तो दमेश जल्द नंबर छब्बीस और सफ़ा नंबर पैंतालीस और एरो लगा हुआ है ये रवायत भी वही है यहाँ पर फकत एक इजाफ़ा है वो यवाओ सभी कि वो इस तरह से चीख रहा था जैसे कि एक बच्चा चीखता है और फिर उसके बाद है अब आपके सामने एरो लगा हुआ है और वो एक इजाफा करते हैं कि वो चीख रहे थे जैसे कि एक बच्चा चीखता है दर्द से दूसरी रिवायत भी इसी सफ़े पर है और एरो लगा दिया है ये भी तलहा बिन याहिया से है अब आपके सामने है क़बीर लिल हाफ़ अबिलकसम अबरानी की इसकी ज़िल नंबर है 19 और मकतब इबन तैमिया से है और सफ़ा नंबर है थ्री फाइव नाइन और आपके सामने है कि ये तरीक़ भी तलहा बिन याहिया से है अब आपके सामने है तारीख़ मदीनात द्दमिश जल नंबर फिफ्टी नाइन और सफ़ा नंबर है टू टू फाइव और ये तरीक़ भी तलहा बिन याहिया से है और यहाँ पर यह है कि वो मचल रहे थे और तड़प रहे थे इस बीमारी की वजह से अब यहाँ पर आपके सामने हवाला है अलमजम का और जल्द नंबर है छः और सफ़ा नंबर है सेवेंटी एट और ये रिवायत भी तलहा बिन याहिया से है और वही रिवायत है कि जो आपके सामने बयान की तो एक तो रुख तो हो गई तरीक़ तो हो गई ये दूसरी तारीख है हुमैद बिन हिलाल से और ये नकल करता है अभी बुरदा से और जैसा कि डॉक्टर सैयद डॉक्टर हसन फरहान मालकी साहब ने खुल के कहा कि ये सब नासबी हैं तो जिस तरह से आप लोग बड़े आराम से यानी पाकिस्तान के महक्न बहुत सारे बड़े आराम से हर दुश्मन अहल बैत के साथ अल्लाह भी लगा देते हैं लेकिन हसन फ़रहान मालकी ने जरूरत की कि खुदाबन तबारक वाल की तोफ़ीत में इजाफ़ा फरमाए औरब रसूल्ला औरब एहैतम रसूल सल्ल व वसलम और कर्ब एहलैत रसूल सल्ला वसलम उन्हें अता फरमाए अब आप के सामने है तारीख़ दमश जल नंबर सोलह और सफ़ा नंबर फोटी फाइव फोटी फ़ोर और फोटी फाइव और यहाँ पर भी अन हुद बिन हिल से ये रवायत है तबक़त कुबरा आपके सामने है जल्द नंबर एक और ये रिवायत है सफ़ा नंबर वन फोटी नाइन पर और हमैद बिन हिलाल से है और यहाँ पर भी यही मौज़ू है और नीचे आप देख रहे हैं कि इसना दो हसन अहादो वलमसानी और इसकी इसके सफ़ा नंबर नन्यानवे में है और ये रिवायत भी हुमैद बिन हिलाल से नकल हुई है अब आपके सामने है कबीर और तीसरी तरीक़े आसम बिन कुलैब से और जिल नंबर है नौ और सफ़ा नंबर है थ्री फाइव नाइन और एरो लगा हुआ है एट फोटी वन का आसम बिन कुलैब से वही रिवायत है और एट फोटी वन का अगर आप हाशिया देखें रवा अहमदो और फिर उसके बाद है रजाल रजाली रवाकम वक़्ला सही हन अला शर्त शेख़ैन के इसे इसके रजाल सही हैं अहमद ने इसको नक़ल किया है यानी मुसनद अहमद में रजाल इसके सही हैं और हाकम ने इसको सही कहा है और कहा है कि ये शेख़ैन की शर्त पर सही है और वफ़ा हो जहबी और जहबी ने भी इनकी कॉल की मुआफ़त की है अब आपके सामने चौथी तरीक चौथा तरीक़ है तारीख़ मदीना तो दमिश साबित। जल्द नंबर है फिफ्टी नाइन और सफ़ा नंबर है टू टू ज़ीरो और यहाँ पर वही रिवायत है लेकिन अबू बुरदा से ही है लेकिन ये साबित से नकल हुई है अब आपके सामने किताबुल महतरीन यानी जो मर रहे होते हैं दम निकल रहे होते हैं उसके बारे में किताब अहतज़ार से और इसके भी सफ़ा नंबर 210 और 11 पर साबित से रिवायत है कि जो आप देख सकते हैं फिर हम अर्ज़ करें के साथ में एक दो और वजूह भी माविया की मौत की बयान हुई कि जिनमें से एक लकवा था और एक कर्रा यानी सर्दी लगने की बीमारी कि हर वक्त सर्दी लगती रहती थी और मुमकिन है ये सब कुछ हुआ हो और मुमकिन है कि इसे कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन जो भी मौला आमिरम्न के मुकाबले में आया और खसूस जनाब अम्मार के कत्ल कतलों के लिए रसूल सल वसम बयान फरमा चुके थे मौला आमिरमाम के लिए वाज बयान फरमा चुके थे لا يا अली ला हब्ब का वला ए ब़ज़ व का मुनाफि के अली कोई महब्बत नहीं कर सकता मगर यह कि वो ममिन होगा कोई बोझ नहीं रख सकता मगर यह कि मुनाफिक होगा और साथ ही जनाब अम्मा के लिए फ़रमाया था कि तख्तुल का फ़ीतन اب अब बज़ दफ़ा जो लोग रवाफज रवाफ़ कहते हैं तो याद रखें जो रसूल अल्लाह को छोड़ के बाखे व भी रवाफज़ थे क्योंकि राफ़िज़ी के माना है छोड़ के जाने वाले और अगर राफ़ज़ी के माना हैं असाब की मुखालफत करने वाले तो जिन्होंने मौला अली की मुखालफत की वो राफ़ज़ी हैं जिन ख़वात ने मुखालफत की वो राफजात हैं और आप उन राफज़ियों के और राफज़ात के चाहने वाले हुए तो लफ्ज़ राफ़ी में बेनफ़ से ही ना कोई बुराई है ना कोई अच्छाई है डिपेंड करता है कि रसूल अल्लाह को छोड़ के भागने वाले राफ़ी कैसे थे और मौला अमीरमिन पर लानतें भेजने वाले और जंग करने वाले राफ़ी कैसे थे रसूल अल्लाह को छोड़ के भागने वालों और मौला अली से जंग करने वालों को जिन्होंने छोड़ा यानी हम वो राफ़ी कैसे हैं खुदावंदबारकाली से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को इलमी डिस्कशन की तोफ़ी ख़त फरमाए और हक़ बयान करने की तोफ़ी अतः फरमाए दुआ है के तमाम अदियान और मज़ाहब के साथ अच्छे तल्लुत हों क्योंकि ये टकराव तमाम मजाहब और अधियान के लिए ख़तरनाक है वसल महमदम वाहरीन वनतुल्लादा अजमीन अला क्याम यूमद्दीन